मेहनती मजदूर के बिना कोई शहर एक दिन भी नहीं चल सकता, लेकिन उन शहरों में उन मजदूरों के लिए ही रत्ती भर जगह नहीं होती। इस चमक दमक और बढ़ती अमीरी के पीछे भारत की गरीबी का अंधेरा भी छिपा है। भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रभावशाली और ताकतवर मेहमान जो दुनिया जहान से आ रहे हैं वो भारत की इस दूरदर्शा के बारे में जाने। भारत में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। मेहमानों के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई है। इस समिट को हिट बनाने के लिए भारत ने बहुत सारी तैयारियां की है। वही कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई है। इन तस्वीरों में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को हरे पर्दे की दीवार से ढक दिया गया है। दिल्ली के स्लम एरिया को इस तरह से ढक दिया गया कि किसी की इस पर नजर भी ना पड़े। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हरे पर्दे लगाए क्यों हैं? क्या है इन हरे पर्दों के पीछे? क्या है वो बात जिसे सबकी नजरों से छिपाया जा रहा है? आइए G20 की इस स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि आखिर G20 के इस खूबसूरत और भव्य आयोजन में इन पर्दों के पीछे क्या दिल्ली की सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों को पार करने वालों की नजरों को छिपाने के लिए ज्यादा जगहों पर हरे रंग के पर्दे लगाए गए हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो शहर की आधी आबादी इन झुग्गी झोपड़ियों में बसती है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इतनी साफ सफाई पहले कभी नहीं देखी। साथ ही एक सवाल छोड़ देते हैं यहाँ के लोग कि शहर में आए मेहमानों को सरकार गरीबी के साथ साथ गंदगी भी नहीं दिखाना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार का मकसद साफ है कि इस हरे पर्दे की दीवार से आने वाले मेहमान इन इलाकों में पड़ने वाली झोपड़ी और कच्चे मकान नहीं देख सकेंगे। वही इस हरे पर्दे को लेकर कुछ लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें क्या कीड़ा मकोड़ा समझा है, हम कोई जानवर थोड़ी ना है, हम भी आखिर इंसान ही है। हमारा दम घुटता है, हमें घुटन हो रही है इस हरे पर्दे के अंदर। झुग्गियों पर सरकार ने पर्दा डालकर अपनी नाकामियों को छिपाया है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि हमें सामान लाने में दिक्कत होती है, हम हमारे काम पर नहीं जा पा रहे हैं। सरकार सिर्फ बाहर रोड की सफाई दिखाना चाहती है, पर्दे के अंदर की असली हकीकत नहीं दिखाना चाहती है। सरकार गरीबों का मोहल्ला भी नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि इससे दिल्ली की राजधानी का काला सच सामने आ जाएगा जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। तो वही दूसरी ओर कुछ लोग इसके समर्थन में भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि विदेश से मेहमान आ रहे हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें। अगर हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो हम इसे क्यों छोड़े, हम पीछे क्यों हटे? हमें तो खुशी होनी चाहिए। हम तो खुद को बहुत सौभाग्यशील मानते हैं कि हमें ऐसा सुनहरा पल मिला कि हम देश के लिए कुछ कर सके। एक तरफ जहाँ G20 समिट की थीम है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, तो वही दूसरी तरफ गरीबों और जानवरों को समाज से हटाने की कोशिश की जा रही है। झुग्गी में रहने वाले लोग और बेजुबान जानवर क्या हमारा परिवार नहीं है, या फिर उनकी गिनती हमारे समाज में नहीं होती? क्या झुग्गियां दिखने या सड़क पर कुत्तों के दिखने से देश की शान कम हो जाएगी, या फिर अन्य देशों में जानवर सड़क पर नहीं घूमते और वहाँ गरीबी बस्ती नहीं होती? जितनी सतर्कता से गरीबी बस्तियों को छुपाया गया है उससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार भारत के लाखों मेहनती मजदूरों गरीबों को बेदखल करने, उन पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हम राष्ट्रीय राजधानी और देश भर के उन शहरों में सैकड़ों झुग्गियों अनौपचारिक बस्तियों और स्ट्रीट को ध्वस्त करने के जुनूनी और गैर जिम्मेदारी भर क्रूर अभियान के गवाह है, जहाँ G20 प्रतिनिधियों ने दौरा किया था और अब जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं। एक तरफ जहाँ पर्दे लगाकर गरीबी छिपाई जा रही है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के पोस्टर्स लगाकर प्रचार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठता है कि क्या हुआ उस स्वच्छ भारत अभियान का जिसका दावा मोदी संसद में करते हैं? इस स्वच्छ भारत अभियान ने देश की तस्वीर ही बदल दी। अगर तस्वीर बदली गई तो सरकार को आखिर ये हरे पर्दे लगाने की नौबत क्यों आई? गरीबी छिपाने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे। सरकार को ये स्वीकार कर इसका समाधान करना चाहिए जिससे भविष्य में इसे फिर से छिपाने की कोशिश ना करनी पड़े। नमस्कार।